तो देखिए, महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। इस मामले में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में अपने चेले आनंद गिरी के अलावा हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन बावजूद इसके जॉर्ज टाउन थाने में जो FIR दर्ज हुई है उसमें आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का नाम शामिल नहीं किया गया है। एबीपी न्यूज के पास FIR की वो कॉपी भी मौजूद है जिसमें सिर्फ आनंद गिरी का नाम लिखा गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में खुद आद्या और संदीप का जिक्र किया है तो FIR में इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया। बात करने के लिए दो सहयोगी मेरे साथ हैं, रणवीर और मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, ये तो पुलिस पर भी सवाल है, जब सुसाइड नोट में साफ साफ तीन लोगों का जिक्र किया गया है तो फिर FIR में आनंद गिरी का ही नाम क्यों, बाकियों का क्यों नहीं? देखिए, जो सबसे पहला शक था, जिस तरह का विवाद था, वो आनंद गिरी से था, इसलिए पुलिस ने प्राथमिकता के आधार पर आनंद गिरी के खिलाफ FIR दर्ज की। बाकी जो दो आरोपी हैं आद्या तिवारी और उसका बेटा संदीप तिवारी, उन दोनों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि FIR दर्ज होगी और इस बीच में जो बाकी लोगों के नाम आ रहे हैं उनसे भी प्रयागराज पुलिस संपर्क कर रही है, बुला रही है, पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। और ये जितने भी ऐसे किरदार हैं जो उस दिन के मामले से सीधे जुड़े हुए हैं, चाहे वो समझौता कराने वाले तीन लोग हो जिसमें एक एडिशनल SP का भी नाम है, इसके अलावा जो मठ के लोग थे जिन्होंने कमरा खटखटाया था, जिन्होंने कमरा खुलवाया था, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, वो सारे लोग भी शामिल हैं। तो इन सभी लोगों से प्रयागराज पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस की फिलहाल प्रायोरिटी ये है कि ये 306 का मामला है, यानी अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला, और अगर इसमें कोई साजिश है तो 120 भी ऐड हो जाएगी। अगर इसको हत्या का एंगल, अगर मान लीजिए सपोज हत्या है, तो इसको 302 में कन्वर्ट करना होगा। तो FIR से ज्यादा जरूरी यह है कि फिलहाल जो अहम किरदार हैं उन किरदारों को हिरासत में लिया जाए या जिनके खिलाफ FIR हुई है उनको गिरफ्तार किया जाए। तो सबसे बड़ी गिरफ्तारी फिलहाल हरिद्वार से समय रहती हो गई, जब कांगड़ी इलाके में आनंद गिरी मौजूद थे और आनंद गिरी ने हमसे भी बात की, फ़ोन पे भी बात की, हमारे चैनल से भी बात की, और उसके बाद वो निकलने वाले थे प्रयागराज। तो UP पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस को इन्फॉर्म किया, उत्तराखंड पुलिस समय पर पहुंची, उसके बाद UP से सहारनपुर पुलिस पहुंचकर हरिद्वार से आनंद गिरी को गिरफ्तार करके लेकर UP आ रही है। तो थोड़ी देर में आनंद गिरी पहुंचेंगे और उसके बाद जो आनंद गिरी से पूछताछ होगी और बाकी जो इस मामले से जुड़े किरदार हैं उन सब से पूछताछ होगी और उसके आधार पर पुलिस कोशिश करेगी इस मामले के जो भी ऐसे एंगल हैं उनको निकालने की। जी ठीक है, रणवीर रहिए मेरे साथ, हमारे साथ मनोज भी जो कि प्रयागराज पुलिस लाइन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, कोई और इन्फॉर्मेशन, कोई और नई जानकारी है कि आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त सिर्फ इंतजार हो रहा है आनंद गिरी के यहाँ पर आने का, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर आनंद गिरी जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उनसे फिर पूछताछ का सिलसिला यहाँ पर प्रयागराज की जो क्राइम ब्रांच है वो यहाँ पर शुरू करेगी। और तमाम एक लंबी सवालों की फहरिस्त जो है वो क्राइम ब्रांच ने यहाँ पर तैयार की है आनंद गिरी से पूछने के लिए, क्योंकि लगातार विवादों में रहे हैं आनंद गिरी और सुसाइड नोट में साफ तौर पर आनंद गिरी का नाम लिखा हुआ है। हालांकि ये बात बहुत आश्चर्यचकित करती है कि जब सुसाइड नोट में दो और नाम लिखे गए थे तो पुलिस ने FIR में दोनों नामों को क्यों दर्ज नहीं किया। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का यह कहना है कि जिस तरीके से जो जो नाम इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आते जाएंगे उन नामों को ऐड कर लिया जाएगा, लेकिन सुसाइड नोट में साफ तौर पर तीन नाम लिखे गए थे, आनंद गिरी का नाम तो लिखा ही गया था, साथ ही साथ जो लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी है उनका नाम था, उनके बेटे का नाम था, वो FIR में दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि उन दोनों को हिरासत में लेकर के प्रयागराज पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। इस कहानी के जो तमाम अहम किरदार हैं जो नाम सामने आ रहे हैं, दो स्थानीय नेताओं का नाम सामने आ रहा है, पुलिस अधिकारी का नाम सामने आ रहा है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो सभी से पूछताछ की जाएगी, सभी के बयान लिए जाएंगे और बयानों को फिर एक बार मिलाया जाएगा और इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को पुलिस अब आगे बढ़ाएगी। ठीक है, अच्छा, राजकिशोर जी भी हमारे साथ है। राजकिशोर जी, मतलब सुसाइड नोट में तीन नामों का जिक्र लेकिन FIR सिर्फ एक नाम पर होती है, आपको क्या समझ आ रहा है? देखिए शेरिन, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस मामले में जो शुरू से हम लोग लगातार बात कह रहे हैं कि पुलिस की जो भूमिका है वो बहुत निरपेक्ष है, बहुत साफ नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि महंतों संतों की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी तरीके से जो अभियुक्त है उसकी तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और एक और आपको मैं बात बता दूं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभियुक्त के तौर पर तो ये दो नाम जो नहीं दर्ज किए गए हैं वो तो हैं ही, लेकिन किन किन लोगों से मदद मांगी गई थी उसमें कई बड़े नाम हैं, वो भी जिक्र है सुसाइड नोट पे, और शायद
उन नामों का खुलासा भी पुलिस अभी नहीं करना चाहती है। और एक बात और कि इतने देर से सुसाइड नोट आखिर अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। आमतौर पर आप देखें जब कोई घटना होती है, जब इतना हाई प्रोफाइल मामला होता है तो वो सुसाइड नोट अब तक आ जाता था, लेकिन उसकी लाइनों में कौन सा राज छिपा हुआ है और ख़ास तौर से जो वहाँ पर आई जी साहब हैं जो लंबे समय से वहाँ रुके हुए हैं उनके दिल में क्या राज छिपा हुआ है, ये समझने की बात है। और ये इतना हाई प्रोफाइल मामला जिसमें मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि वो 5 अधिकारियों कि वहां पर वो नियुक्त कर रहे हैं खासतौर से इस मामले की जांच के लिए, उसके बाद भी इस तरीके की हिला हवाली, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सीबीआई जांच शायद अवश्यंभावी होगी तभी सच्चाई आ पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा अकूत प्रॉपर्टी और तमाम मामले हैं शिरीन जाहिर तौर पर, और पुलिस के लिए यहाँ पर अब सवाल भी देना यहाँ पर मुश्किल जरूर आने वाले समय में होगा। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ABP News, आपको रखे आगे।